हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस आर एंड लेंथ ऑफ आर्क इज एल यूनिट। यानी कि हमारा कोई सर्कल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसमें बनने वाला कोई सेक्टर है कुछ इस तरीके का, इसकी जो ये लेंथ ऑफ आर्क है यानी कि ये वाली, ये मैं क्वेश्चन में गिवन है कि एल है, इसे नाम दे दिया मैंने ए, इसे ओ, इसे बी दे दिया, और इसकी जो रेडियस वो कौन है, आर है। हमें इस सेक्टर का एरिया बताना है यहाँ पे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो कौन है, थीटा है। तो जो गिवन पार्ट है पहले उसी को यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन हमें, एल है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, यानी कि एल, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2πr। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इसकी जो आउटलाइन है इसे कहते हैं 2πr, क्लियर है। अब हमें उतनी ही लेंथ ऑफ आर्क चाहिए जितने पे हमारा एंगल यहाँ पे बना हुआ है। तो हमारी लेंथ ऑफ जो आर्क होगी वो इस थीटा एंगल के अंदर बनने वाली आर्क ही हमें बतानी है, इसीलिए यहाँ पे थीटा अपॉन 360 ले लिया। पूरा सर्कल होता है 360 का, इसलिए अपॉन में आ गया 360। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, और हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो सर्कल होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमें उतने ही सेक्टर का एरिया चाहिए जितने में वो एंगल बना हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख लूँगा, पाई आर इंटू आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार, ठीक है। हमें जो एरिया बताना है वो इस एल के रिस्पेक्ट में बताना है। किस तरीके से बताएंगे, देखो मेरा जो एल है वो इक्वल है थीटा अपॉन 360 टू पाई आर। थीटा अपॉन 360 पाई आर तो आ रहा है बट टू नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, मैंने इसको डिवाइड बाय टू से कर दिया, ठीक है, और साथ ही मल्टीप्लाई भी टू लगा दिया, क्योंकि टू से टू मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब जो ये फॉर्मूला है देखो ध्यान से, थीटा अपॉन 360 टू पाई आर किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया। तो मैं इसे वन मान लेता हूँ या लिखता हूँ यूजिंग वन, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने एल, और यहाँ पे कितना है, आर अपॉन में टू यूनिट स्क्वायर। ये मेरे इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा, एल अपॉन में आर अपॉन एल अपॉन एल इंटू आर अपॉन टू यूनिट स्क्वायर, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी मेक इट द ट्रेवल डिस्टेंस 11 किलोमीटर। हमारा कोई डिस्टेंस है जो कि 11 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और हमें क्या करना है, कोई हमारा व्हील है जिसके ऊपर रिवॉल्व करता है जिसकी रेडियस है 0.25 मीटर, तो बताओ इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी बार रिवॉल्व करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, जैसे कि हमारा ट्रैक हो गया, ये हमारा व्हील हो गया, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब मैंने इसको यहाँ पे टर्न करना शुरू किया, ठीक है, रिवॉल्व करना शुरू किया, तो रिवॉल्व होकर ये मेरा जो व्हील था वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इसका जो निशान है वो यहाँ पे आगे दिखाई देने लगा है, ये वाला जो निशान है, तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी तय की वो कौन सी दूरी है, जो इसकी ये जितना बड़ा इसका ये आउटलाइन होगी, आउटलाइन को बोला जाता है सरकमफ्रेंस, जितना बड़ा इसका सरकमफ्रेंस होगा उतनी ही ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है जो डिस्टेंस कवर करेगा, वो एक बार में रिवॉल्व करके तो कर नहीं सकता, इसको बार बार टर्न होना पड़ेगा, कितनी बार टर्न होना पड़ेगा वही हमें निकालना है। यानी कि दूरी तो वो 11 किलोमीटर ही कवर करेगा, बट फ़र्क क्या होगा, इसके नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन ज़्यादा होंगे, क्लियर है। तो हम दोनों के नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन और इसके जो सरकमफ्रेंस है इनके अकॉर्डिंगली ही इसके नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। कैसे करना है मैं आपको बता दूँ, पहले जो हमें डिस्टेंस दे रखा है एक किलोमीटर में, रेडियस है मीटर में, दोनों का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ लिखता हूँ, एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, 11 किलोमीटर बराबर होगा 11 इंटू 1000, 11000 मीटर के इक्वल होगा, क्लियर। हमें रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 0.25 मीटर, डेसिमल हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, रेडियस आगे निकल गए। हमें नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन बताने हैं, तो या तो आप इस तरीके से करो, टोटल डिस्टेंस के अंदर एक रिवॉल्यूशन में जितनी दूरी तय करता है उसका डिवाइड कर दो। यहाँ लिखता हूँ मैं, कवर डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन,
यानी एक चक्कर में कितनी दूर तय करता है। मैंने आपको क्या बताया, जितना बड़ा इसका ये आउटलाइन होगी उतना ही बड़ा उसको डिस्टेंस कवर करेगा। आउटलाइन को कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो फॉर्मूला 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी हमारी 1/4। क्लियर। 2 1 2, 2 2 4, 2 में इसका डिवाइड दिया कितना 11, यानी 11/7 मीटर इतनी दूर तय करेगा एक चक्कर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल कितने चक्कर लगाएगा। देखो हमारा फॉर्मूला होता है वैसे तो टोटल डिस्टेंस जितने में दूरी तय करनी है वो, ठीक है, और एक चक्कर के अंदर जितनी दूरी तय कर रहा है एक चक्कर के अंदर वो इसमें डिवाइड कर देंगे कवर डिस्टेंस इन अ रिवॉल्यूशन। तो हमारा एक टोटल डिस्टेंस कितना है 11,000, एक चक्कर की दूरी कितनी है 11/7। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा, 11 से 11 कट गया कितना है 1000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7000, यानी कुल मिला के उसको 7000 चक्कर लगाने पड़ेंगे 11 किलोमीटर दूरी तय करने के अंदर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।